हाय फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को आजकल एक चीज़ दिख रही है वो है NTPC CBT स्टेज 1 CBT पहला जो एग्ज़ाम है, क्योंकि NTPC की जो वैकेंसी हैं वो बिल्कुल आ चुकी हैं, फॉर्म भी फिल किए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हैं, ग्रेजुएशन लेवल की भी और 12th लेवल की भी। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल पे दो वीडियोस डाल भी चुका हूँ, जिसमें GS आपका 40 नंबर का आएगा और इसमें आपकी टोटल GS पूछी जाएगी। तो जो आपके NTPC के प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उनसे मैं GS को अलग करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा डेली। लगभग उसमें 40 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कुछ ओल्ड करंट के क्वेश्चन हो तो वो मैं नहीं इसमें लिख डालूंगा, क्योंकि ओल्ड करंट अब आपका 2015 का करंट तो आने वाला नहीं है। और तो इसी तरीके से करेंगे। बाकी मेरे चैनल पे आप विजिट करिए, NTPC के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस कम समय में मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो आज से चलिए शुरू करते हैं। ये आपका तीसरा सेट होगा, ये आपका देख लीजिए 28/3/2016 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। मैंने शिफ्ट 3 का एक डाल चुका हूँ, साथ में मैंने 27 अप्रैल का भी डाला है, तो देख लीजिएगा आप सभी। आज चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करो, काफ़ी अच्छी GS आती है। देखिए पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो आप रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए रॉलेट एक्ट क्या है। तो रॉलेट एक्ट जो है एक विधायी अधिनियम था, ठीक है, और इसे 18 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित किया गया था। और ठीक है, तो 1919 तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि इसे और किस नाम से जानते हैं। तो इसे जो है अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 से भी जानते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसमें हुआ था कि इस रूप में जानते हैं क्योंकि क्या हुआ था कि जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, संगठन थे, संगठनों से धमकी मिलने के कारण यह अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए थोड़ा सा जब आप वहाँ पे लगाएंगे जाके ऑप्शन तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये देखिए ये इसमें डायरेक्ट आप ए नंबर नहीं लगा सकते। डायरेक्ट ए नंबर तो आपका ए नंबर कहाँ है, तीसरे में है। तो ये पहला अब यहाँ देख के पहले में मत लगा दीजिए, पहले कटे। देखिए ए नंबर ऑप्शन सही हुआ, तो ए नंबर ऑप्शन कहाँ दिया गया आपका, 3 में दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अगले पे चलते हैं। अगला है आपका दांबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो दांबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, देखिए ये सभी को पता होगा कि दांबुला का स्वर्ण मंदिर जो है वो श्रीलंका में स्थित है, क्योंकि जो दांबुला है वो दांबुला एक गुफा मंदिर है, जिसको हम दांबुला के स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जानते हैं। और ये कहाँ है, यह श्रीलंका के कैंडी के निकट, मतलब श्रीलंका के कैंडी के निकट स्थित एक विश्व धरोहर है, ठीक है। और इसमें क्या विशेषता है कि यह जो है श्रीलंका का सबसे बड़ा और सुरक्षित गुफा मंदिर है, श्रीलंका का सबसे बड़ा और सुरक्षित गुफा मंदिर है। और इस मंदिर में भगवान बुद्ध की कितनी मूर्तियां हैं, भगवान बुद्ध की 153 मूर्तियां हैं और साथ में अन्य देवी देवताओं की कितनी मूर्तियां हैं, 4 मूर्तियां हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। और बी नंबर ऑप्शन किस में दिया गया है, तो बी नंबर ऑप्शन आपके पहले के बी में दिया गया है, तो यही इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, फिर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस मुक्केबाज का नाम बताइए जिसे द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। तो ये जो मुक्केबाज है ये पेशेवर मुक्केबाज है, पूर्व मुक्केबाज है, और ये कहाँ के हैं, ये हैं अमेरिका के पूर्व पेशेवर मुक्केबाज हैं। इनका नाम है इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इवांडर होली फील्ड। ए नंबर ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, चौथे के ए में, मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, कह रहे हैकर कौन है। अब हैकर क्या होता है ये चीज़ आपको बतानी है। तो हैकर आपको सभी को पता है, अब हैकर हॉकर अलग चीज़ होती है, जो आपका गली में कपड़े बेचने वाले इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे हैकर ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो हैकर वो चीज़ होती है जो कंप्यूटर, मतलब जो सुरक्षा, मतलब हैक कर लेते हैं कंप्यूटर के। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए,
वह व्यक्ति जो गलियों में सामान बेचता है गलत, वह व्यक्ति जो अनाधिकृत रूप से डाटा को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है तो उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, हैकर बोलते हैं। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले पे पहुंचते हैं, सम्राट अशोक किसका होता। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन करने से मतलब ये नहीं कि आपने ये क्वेश्चन कर लिए हो गया। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका देख लीजिए, ये आप कह सकते हैं या तो इसको आप जियोग्राफी से ऐड कर सकते हैं या इसको विविध से ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको देख लीजिए, ये आपको करंट से रिलेटेड आना चाहिए, करंट पूछी गई है जो जीके बन गई है, ठीक है। और ये देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और ये देखिए आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो सब कुछ पूछा जाएगा और सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो सभी को पता है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अब पूछ दिया जाए कि अशोक का जन्म कब हुआ था, तो 304 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनको किस युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो इनका कलिंग का युद्ध जो इन्होंने 260 ईसा पूर्व किया था उसकी वजह से इनको जाना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, और बी कहाँ पे है, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे थार के मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है के रूप में जाना जाता है, तो ऐसा थार में कौन सा मरुस्थल है। देखिए थार का जो मरुस्थल है वो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पूर्वी सिंध प्रांत, मतलब पाकिस्तान के जो पूर्व में सिंध प्रांत है और पंजाब प्रांत के दक्षिण पूर्वी भाग तक फैला हुआ है, ठीक है। तो जो एक चेलिस्तान, वहाँ पे एक चेलिस्तान मरुस्थल पंजाब के प्रांत तक फैले थार के मरुस्थल से संलग्न है, ठीक है। और थार के मरुस्थल को एक क्वेश्चन ये भी, तो यहाँ पे तो ये इसका सही आंसर हो गया चोलिस्तान। थार के मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है चोलिस्तान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो डी इसका चोलिस्तान सही हो रहा है, तो डी किस में है, चौथे का डी सही हो जाएगा ये। और इसमें थोड़ी सी चीज़ ये पता कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि थार के मरुस्थल को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो उसको ग्रेट इंडियन डिज़र्ट नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रेट इंडियन डिज़र्ट इस नाम से जानते हैं, लिख नहीं रहा, समझ लीजिएगा क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा और सभी को रटा होता है ये क्वेश्चन। जैसे ही आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे आप, तो वैसे ही आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो वास्को डिगामा भाई 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था, 20 मई 1498 को केरल के, जो केरल था, केरल के कोचिकोट या कालीकेट के तट पर, कहाँ पहुँचा था, के तट पर पहुँचा था वास्को डिगामा, ठीक है। और उसके आगमन पर ये पूछा जाता है कभी कभी, उसके आगमन पर कौन सा शासक था जिसने उसका स्वागत किया था, तो उसका नाम था जमेरिन, जमेरिन ने उसका स्वागत किया था। और उसकी इसी यात्रा, इस यात्रा से क्या हुआ था, यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो समझ जाइए कि बी नंबर कहाँ दिख रहा है, तीसरे में दिख रहा है, तो यही आंसर आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज, बायो का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की। पहले तो जान लीजिए पेनिसिलिन है क्या, तो आपको पता होना चाहिए पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक का एक समूह है, जिसकी खोज जो है स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा सन 1928 में की गई थी उसकी, ठीक है। और उसकी उत्पत्ति जो है मोल्ड पेनिसिलियन नोटेटम से हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, मोल्ड पेनिसिलियन नोटेटम से हुई थी। इस खोज के लिए, और देखिए इस खोज के लिए फ्लेमिंग को क्या हुआ था, फ्लेमिंग को हार्वर्ड फ्लोरी और इंसर्ट बोरिस चेन के साथ 1945 में चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन खोज के लिए किसे 1945 में चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो प्रदान किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, कह रहे कड़म मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं, कड़म मल्लेश्वरी किस
खेल से संबंधित हैं। तो कड़म मल्लेश्वरी के बारे में थोड़ा सा एक बात जान लीजिए कि कड़म मल्लेश्वरी जो हैं एक भारतीय भारोत्तोलक हैं, ठीक है। अपने 10 वर्ष के करियर के दौरान उन्होंने ओलंपिक में प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीतने के अलावा 11 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीते हैं। वह 9 वर्ष तक 52 केजी भार वर्ग के 2 बार और 54 केजी भार वर्ग के 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन बनी रहीं। तो ये कौन है? ये एक लेडीज़ हैं जो भारोत्तोलन से रिलेटेड हैं। और सी नंबर ऑप्शन आपको चौथे में मिला, यही सही आंसर हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जानकारी क्या होनी चाहिए आपके पास। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने, क्या नाम था उनका, डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के प्रमुख कारण टीबी बैसिलस की खोज की थी, ठीक है। क्षय रोग का जो प्रमुख कारण है टीबी बैसिलस की खोज की थी। विश्व क्षय रोग दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो होता है द्वारा चिन्हित 8 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल के शोक के रूप में किसे जाना जाता है? ये सभी को पता होगा कि बंगाल के शोक के रूप में, देखिए पश्चिम बंगाल के मैदानों में प्रलयकारी, मतलब बहुत प्रलयकारी जो बाढ़ लाने के कारण दामोदर जो नदी है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। इस नदी के कारण वर्धमान जैसे हो गया, ठीक है, बंगाल में वर्धमान हुगली हावड़ा के कई क्षेत्रों में मेदिनीपुर सहित, वहाँ जो मेदिनीपुर सहित कई जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। वर्तमान में भी कभी कभी निचली दामोदर घाटी बाढ़ से प्रभावित रहती है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर चौथे का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त का वहन करने वाली धमनियों के संपूरित होती है। देखिए रक्त का वहन करने वाली धमनियाँ से संपूरित होती हैं। तो जो धमनियाँ रक्त वाहिकाएँ हैं जो ऑक्सीजनीकृत रक्त को हृदय से प्राप्त करती हैं उसे शरीर के सभी भागों तक पहुँचाती हैं, जबकि जो फुस धमनी होती है वो ऑक्सीजनीकरण के लिए रक्त को फेफड़े तक केवल पहुँचाती है। तो धमनियाँ जो होती हैं वो परिसंचरण तंत्र के भाग का निर्माण करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कि रक्त का वहन करने वाली धमनियाँ ऑक्सीजन से संपूरित होती हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ना दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है वो 1951 में किया गया था, ठीक है ना। और यह संशोधन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 में किया गया था, जिसे बाद में 18 जून 1951 को संसद द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। और यह संशोधन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर रोक लगाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा सा आपको देखने में ऐसा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोलने सही है? कह रहे 1 गीगाबाइट बराबर इतने किलोबाइट, सब ये दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली SI होती है उसमें गीगा को जो बोलते हैं 10^9, इस प्रकार गीगाबाइट का मीन्स क्या हो गया? 10^9, ठीक है। या फिर अब वो तो केवल बाइट्स में होता है, एक गीगा बाइट्स बराबर एक गीगा, जो 1 गीगाबाइट होता है वो 10^9 बाइट्स के बराबर होता है। अब इसको किलो बाइट्स में क्या करोगे तो क्या हो जाएगा? 10^ कितने जीरो लग जाएंगे? 10^ आपके जीरो कम हो जाएंगे। तो गीगाबाइट की जो डिजिटल यूनिट होगी वो आपका हो जाएगा 1 गीगाबाइट बराबर 10^5 जीरो लग जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो 1 गीगाबाइट बराबर 10 लाख किलोबाइट हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह था? तो हमारी चंद्रमा की
परिक्रमा करने वाला जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम था क्या? उसका नाम था लूना 10। ठीक है, हमारी चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह जो था लूना 10 था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, पहले का डी। नेक्स्ट देख लीजिए, साइप्रस की राजधानी का नाम क्या है? तो साइप्रस जो है उसकी राजधानी का नाम क्या है? तो आपको बता दूं कि निकोसिया साइप्रस गणराज्य सरकार का निवास स्थान और राजधानी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मृणालिनी साराभाई जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यहाँ पे आप ये याद कर लीजिए कि मृणालिनी साराभाई जो हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो मृणालिनी साराभाई का क्षेत्र जो है उससे अगर संबंध निकाला जाए तो वो शास्त्रीय नृत्य करती थी, वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, ये चीज़ का करेक्ट हो जाएगा। तो कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं ये देखिए आप, ठीक है ना। अगला देखिए, करो या मरो नारा किसने दिया था? तो सारे जितने स्लोगन हैं याद कर डरे, करो या मरो नारा किसने दिया था ये आपको बताना है। तो करो या मरो नारा तो सभी को पता है किसने दिया था, महात्मा गांधी ने जब उनका क्रिप्स मिशन जो था वो असफल हो गया था तो उन्होंने 8 अगस्त 1942 को मुंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने भारतीयों से कहा को स्वतंत्र कराने या स्वतंत्र कराने के प्रयास में अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी इसका करेक्ट हो जाएगा और बी किस में है, 2 में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, कह रहे सुनामी हार्बर वेव का क्या कारण है? जो सुनामी हार्बर वेव है उसका कारण क्या है? तो सुनामी हार्बर वेव का जो कारण ये है कि समुद्र तल में आने वाला भूकंप, देखिए समुद्र तल में भूकंप आने के परिणाम स्वरूप जो होता है वो सुनामी हार्बर वेव आता है। तो पहला इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब पहले का पहला। नेक्स्ट क्या है, आपको हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य है? तो जो हमारी आंखें हैं, लेंस आंख में विद्यमान एक पारदर्शी क्या होता है, उभयोत्तल संरचना होती है जो कार्निया के साथ मिलकर अपवर्तित प्रकाश को रेटिना पर क्या करती है, संकेंद्रित करने की सहायता करती है। तो लेंस हमारे क्या करता है, आंखों की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। लेंस क्या करता है, आंखों की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंखों की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो बीवी का मकबरा, ताजमहल चार मीनार और इत्माद उद्दौला का मकबरा, इनमें से कौन सा मृत व्यक्ति का नहीं है? तो आपको बता दूं जो चार मीनार है वो मृत व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि तेलंगाना हैदराबाद में स्थित जो चार मीनार का निर्माण जो है वो कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में प्लेग के उन्मूलन की स्मृति में कराया था। ठीक है, इस समय प्लेग का एक भयंकर महामारी के रूप में फैला हुआ था, यह ऐतिहासिक स्थल हैदराबाद के लिए वैश्विक प्रसिद्ध का प्रतीक बन गया। तो ये कौन सा इसमें है, चार मीनार। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली 2 टीमों के नाम बताइए। प्रथम अधिकारी, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रथम आखिरी मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की 2 टीमों के नाम बताइए। तो आपको बता दूं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो खेला था वो मैच अमेरिका और कनाडा के मध्य हुआ था। किसके मैच, अमेरिका और कनाडा के मध्य हुआ था, 1844 में खेला गया था। यह मैच 26-26 सितंबर 1844 के मध्य सेंट लॉर्ज क्रिकेट क्लब में खेला गया था। ठीक है, तो कनाडा और अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो कोणार्क मंदिर का निर्माता जो है वो उड़ीसा में है, कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर। ठीक है, लगभग 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग राजवंश के शासक नरसिंहदेव से फर्स्ट द्वारा कराया गया था, नरसिंहदेव फर्स्ट द्वारा कराया गया था इसका निर्माण। फिर क्या है कि वर्ष 2014 के आम चुनाव में लोकसभा, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि वर्ष 2014 में पूछा गया है, अब वर्ष 2014 की बात थोड़ी पूछी जाएगी आपको 2019 में, बहुत ज़्यादा 18 से पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा पूछ लेगा 2017 को इतना नहीं पूछेगा। फिर भी अगर आपको जानना है तो 2014 के आम चुनाव में लोकसभा के चुनाव कराए गए थे, तो लोकसभा के चुनाव जो कराए गए थे वो 16वीं, ठीक है, चुनाव में 16वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए थे, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की जीव का उदाहरण है? देखिए मैंने जो आपको अपनी
चैनल पे बायो का दूसरा वीडियो डाला था, उसमें सब कुछ बताया था एक कोश की और ये सब। तो प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ बिना कोशिका भित्तियों वाला एक नॉन फोटोट्रॉफिक यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो इसमें प्रोटोजोआ इसका सही आंसर हो जाएगा, एक कोशिकीय होता है। प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बहुत विविध बहुत आती है। तो प्रसिद्ध जो कार्ले बौद्ध गुफाएं हैं वो जो हैं वो आपकी महाराष्ट्र में हैं। कार्ले की गुफाएं भारत के प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है, ठीक है ना। इन गुफाओं का निर्माण चट्टानों को काटकर गुफा वेदियों के रूप में किया गया था, और ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में, ये करेक्ट होगा आपका। अगला क्या है कि अतीत में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों के परिचित अवशेषों या चिन्हों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो ये वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये पता होगा सभी को, थर्मोस्कोप का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। कहते हैं कि यह माना जाता है कि प्रथम जो तापदर्शी मतलब थर्मोस्कोप का निर्माण गैलीलियो गैलीली ने 1539 में किया था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में स्केल की विशेषता से युक्त थर्मामीटर ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया। यह स्केल जो है आधुनिक ताप मापन आधार पर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डेका लीटर कितने लीटर के समान होता है? तो जो एक डेका लीटर होता है वो आपका 10 लीटर के समान होता है, ठीक है। 1 लीटर आयतन की जो मीट्रिक इकाई वो 10 लीटर के समान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मापन पैट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत में राज्यपाल होता है वो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर क्या है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो जो पृथ्वी का आकार होता है वो चपटा गोल होता है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? चपटा गोल होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अरोड़ा आसिफ अली को में भारतीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अब इनको क्यों याद किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरोड़ा आसिफ अली को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई स्थित गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा गांगुली के रूप में जन्मी यह भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ती थी, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो मुंबई में उन्होंने झंडा फहराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम किसी को पता तो होगा नहीं, तो मैं बता देता हूँ भाई, चेतक नाम था, ठीक है। उन्होंने 21 जून 1576 को जब हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान चेतक की सवारी की थी, और उसके बाद चेतक राजस्थान की गथाओं में अमर हो गया। चेतक जो है कैथीवाड़ी नस्ल का था। कभी कभी पूछ सकते हैं चेतक किस नस्ल का था, तो वो था कैथीवाड़ी नस्ल का था। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है ये, जिसकी उत्पत्ति मूल रूप से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुई थी। तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में? तो तरंग की जब की देखिए, तरंग की जो तैरता होती है आवृत्ति एक दूसरे की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती। जैसे ही व्युत्क्रमानुपाती हो तो आपको क्या होना चाहिए कि जब आवृत्ति में वृद्धि हो रही तो इसके तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से जो है वो कार्बन के परमाणु तत्व के साथ की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन के परमाणु के साथ की जाती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। देखिए बड़े से छोटे क्रम में महाद्वीपों को जो सही क्रम है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनिया, सेरम, ये इस तरीके से हैं, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है
इनमें सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जानते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। मार्स गैस के रूप में किसे जानते हैं? मार्स गैस के रूप में मीथेन को जानते हैं। तो इस तरीके से आपके काफ़ी क्वेश्चंस हो गए जो पूछे गए थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में। तो इसी तरीके से मैं डेली आपको अपलोड करता रहूँगा, आप देखते रहिएगा। बाकी मैं आप सोच रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कि लगभग 90 डेज में अगर हिस्ट्री तीनों टॉपिक, ज्योग्राफी तीनों टॉपिक और पॉलिटी, इसको मैं सारे वन लाइनर आपके समझ समझ के करा दिए जाएँ तो कैसा रहेगा, ठीक है। बाकी साइंस के अलग से वीडियो आपके अपलोड हो रहे हैं, वो होते रहेंगे। 3 महीने में आपकी साइंस अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। तो कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो सबसे पहले आप वीडियो देख सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।